हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री का लुक। तो ये है मेरा फुल लुक और आपको आज बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने कैसे पूजा किया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहना था और ये मेरा मेहंदी जो मैंने वट सावित्री के लिए लगाया था। देखिए तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेहंदी का डिज़ाइन और मेरा फुल लुक जो मैंने मेकअप किया था। तो मैंने रेडी होके हम लोग वट सावित्री के वट ब्रिज के पास जाके पूजा करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग सजाए गए हैं और जितने भी वट के पत्ते पांच पांच नीचे रखे हैं, एक कलश बैठाया है और उसमें हम लोग आम का पत्ता डालकर आयपन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जल देते हैं। तो ये सब पूजा करते हैं। देखिए पूजा की विधि सब दिखाया है मैंने, तो आप अच्छे से मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं बीच में वॉइस ओवर भी आपको दूंगी ताकि आपको समझ में नहीं आए कि हम लोगों ने पूजा में क्या क्या करते हैं, तो एक एक करके बताते जाऊंगी। उसके बाद हम ये सिंदौरा से अपने ही सिंदौरे से सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को। तो ये देखिए मेरी मन्नत है, मुझे लगा रही है सिंदूर, शादी जो सिंदूर था उसी से सिंदूर लगा रही है। और हमारे बिहार में हम सिंदूर नाक से लेकर ऊपर तक लगाते हैं। आपके यहाँ कैसे लगाते हैं पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो बिहार के लोग होंगे उन्हें पता होगा बट बाकी लोगों को पता नहीं होगा। तो बाकी लोगों के लिए मैंने वॉइस ओवर किया है, बाकी बिहार के लोगों को तो पता है, बिहार में भी हर जगह अलग अलग होता है। उसके बाद वो सिंदूरा को हमें वहीं पे रखना है जहाँ पे पूजा करते हैं, वहीं पे रखना है। और सारे फल वगैरह चढ़ाने के बाद हम अपना कपड़ा भी चढ़ाते हैं और अपने हस्बैंड का कपड़ा भी वहाँ पे चढ़ाते हैं जो हमें उन्हें देना होता है। साथ में एक पंखा होता है जो यूज करेंगे हम पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड को झेलने के लिए। और उसके बाद हमारे गोल गोल जितना भी लाइक 108 बार गोल घूमना होता है और सूता होता है कच्चा सूता, उसे लपेटना होता है बट ब्रिज के गोल गोल घूम कर। देखिए जैसे हम वीडियो में घूम रहे हैं सब लोग। और जितना हमारे पास धागा था हम लोगों ने उतना ही राउंड किया था, हमें याद नहीं है कितना राउंड किया था बट हमने जितना भी राउंड किया था वो अंत में ख़त्म हो गया था धागा, तो तब तक किया था राउंड। बाकी लोग उसके बिना भी घूमते हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ राउंड घूमा था बिना धागे का, पर याद नहीं है टोटल कितना घूमना था। ऐसे लोग बोलते हैं कि 108 बार राउंड घूमना चाहिए। और हम ये राउंड घूमने के साथ साथ जहाँ पे हम पूजा स्टार्ट किए थे वहाँ पे चने डालेंगे, सिंदूर लेंगे और ब्रिज के जो ये है ना नीचे जड़ जड़ से लेके वो सिंदूर को ऊपर तक टीकते जाएंगे और सेम सिंदूर अपने सर में लगाते जाएंगे। उसके बाद हम वापस आके अपने हस्बैंड का पैर, सबसे पहले पैर धोते हैं, पैर धोते हैं, फूल अच्छे अच्छे रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपने घर आ गए थे पूजा करने के बाद और अपने हस्बैंड का पैर धो रहे हैं। तो इसमें भी सबके यहाँ अलग अलग है, अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हम लोग यहाँ ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं। आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। Thank you.
ज्वेलरी ही पहनते हैं हम लोग। तो ज्वेलरी में आपके पास अगर कोई भी ज्वेलरी नहीं हो तो कम से कम आप टीका जरूर पहने, टीका पहनना शुभ होता है उस दिन। देखिए मेरे हाथ रखिए, उसके बाद आपके हस्बैंड के हाथ से आपको पानी पीना होता है। तो हम लोग देखिए मेरे हस्बैंड मेरा व्रत अब तोड़ रहे हैं पानी पीना कर। फिर उसके बाद ये जो पंखा हम बोले थे चढ़ाए थे, इस पंखे से हमें हस्बैंड को हवा देना होता है, झेलना होता है, वो खाएंगे प्रसाद और हमें झेलना होता है। तो ये पंखा भी हर जगह अलग अलग आता है। तो ऐसे हम लोगों ने एंड किया अपना वट सावित्री का पूजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।